जिला मुख्यालय नीमच तथा तहसील मुख्यालय मनासा एवं जावद न्यायालय परिसर में माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं अधीक्षक श्री हरदेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक प्रकरणों का निराकरण संभव हो इस हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रचार प्रसार एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक स्तर पर नेशनल लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया गया। लोक अदालत के माध्यम से दीवानी प्रकरणों, शम्मी आपराधिक प्रकरणों, राजस्व, श्रम एवं पारिवारिक दुर्घटना के प्रकरणों से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते द्वारा किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत हेतु गठित खंडपीठ में किया जाएगा। ये साल का चौथा लोक अदालत है। हर 3 महीने पे लोक अदालत होती है। इस लोक अदालत में 138 के केसेज, राजीनामा आयोग आपराधिक केसेज, बिजली के केसेज, नगर पालिका के बिजली और विद्युत और क्रय कर के केसेज तथा क्लेम केसेज रखे गए हैं, जिसमें पूरे जिले में 19 खंडपीठ गठित की गई है तथा 138 के लिए पूरे 1 महीने से हमारे जजेस प्री सीटिंग कर रहे हैं। क्लेम केसेज में बीमा कंपनियों से बैठक की गई है और इस बार अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। लोक अदालत में राजीनामा आयोग केसेज लिए जाते हैं। जिन प्रकरणों में राजीनामा नहीं होते, केसेज लंबित के हों, इसके बारे में जानकारी आपको लेनी चाहिए। केसेज में गवाह नहीं आते, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मुलजिम फरार हो जाते हैं और कई अब दूसरे शहरों में मुलजिम जेल में रहते हैं, उनके आने में समस्याएं होती हैं। इस कारण से प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब होता है, किंतु न्यायालय प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर रही है और अब 5 साल से और उससे ज़्यादा के प्रकरणों के कमी, बहुत सारी कमी आई। अब मुश्किल से 10-5 केस ऐसे बचे हैं जो 5 साल से ज़्यादा पुराने केस हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।